भाई साहब हम सोच रहे थे कि गर्मियों में बाहर घूमने जाया करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, सोच के सोच रखी थी इतनी जगह घूमने जाएंगे, पर ये बारिश नहीं रुक रही है लास्ट 3 दिन से। मतलब इतनी गंदी बारिश हो रही है, मैं कल रात को क्लब गया था, वो व्लॉग आपको दिख जाएगा एक दो दिन में, मतलब दिख गया होगा, उसके बाद ये वाला आ रहा होगा। भाई साहब कल रात को कीचड़ कीचड़ हो रखा है, छाता लेके घूम रहे हैं रात के 12 बजे, और कल रात से ये हल्की हल्की पड़ रही है पर रुकी नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे मौसम में बाहर जाने का मन भी नहीं करता। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो जूते गंदे, कल कपड़े गीले हो गए हमारे, तैयार होके आई थी लड़कियाँ, उनके मेकअप उतरने शुरू हो गए। भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर चलो कोई बात नहीं, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए व्लॉग में। भाई साहब आज का सीन ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं कनाडा में अगर आपको घर शिफ्ट करना हो, कहीं दूर जाना हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो वैसा ही ये वाला ब्लॉग है। अंकुर भैया को आप लोग जानते ही हो, जिनका यूट्यूब चैनल है, मैंने एक बार लिंक भी दे रखा है पीछे, अगर जाके किसी और ब्लॉग में चेक करोगे तो। उनको ओकविल से एक काउच उठा के लाना है, कहीं से वो सेकंड हैंड है, कहीं से उसने बात कर रखी है मार्केट प्लेस पर, जिस भी ऐप पर बात करी है वो पूछ लेंगे उनसे, वो पिक करने के लिए जा रहे हैं। और उनको यू हॉल ओनर बुक करी है, क्या चार्जेस हैं सब कुछ वो आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। बाकी मैं और ऋषभ भैया साथ जा रहे हैं क्योंकि ऋषभ भैया के पास जी लाइसेंस है और इनको आइडिया है चलाने का अच्छे तरीके से, कि उसे कैसे चलाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी एक बार अंकुर भैया की हेल्प कर रखी है ट्रांसपोर्टेशन करने में, कि सामान लेके आने में और घर तक शिफ्ट कराने में। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ये पूरा ब्लॉग होने वाला है और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने चार्जेस लगते हैं, क्या होता है, कहाँ से बुक कर सकते हैं यू हॉल वगैरह, A to Z। अभी अंकुर भैया आ रहे हैं हमें पिक करने के लिए, कहीं कॉस्को से कुछ सामान वामान लेने गए तो 15 मिनट बोले थे, ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो भी लड़कियां तो वेट कराती हैं, आजकल लड़के ही वेट कराने लग गए हैं, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। अभी आ गए अंकुर भैया, देखा जल्दी आ गए, एकदम बुराई कर देनी चाहिए किसी की एकदम। भाई ऐसे यूहल वूहल खड़ी हैं, ये रहा ऑफिस, पहले अंदर चल के चाबी ले लेते हैं। और ये तो इतना पानी भर रखा है, म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलाओ। भाई 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 क्या हुआ, अरे पहले नगर पालिका को बुलाओ। तो भाई वो अंदर अपना काम वाम कर रहे हैं। मतलब आपको बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यू हॉल के ऐप पे जाके अपना सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, अपना लाइसेंस वाइसेंस नाम वाम A to Z जो भी चीज़ें वो मांगता है। उसके बाद जब आपकी बुकिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आने से पहले ही आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं, जैसे फ्लाइट्स में होता है, जैसे आप चेक इन कर देते हैं फ्लाइट से पहले ही, वही सेम चीज़ आप अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। और जब आप वो चीज़ कर देंगे तो यहाँ पे आके सिर्फ आपको अपनी कंफर्मेशन दिखानी है, चेक इन का दिखाना है, और आप अपनी कीज़ उठाओ और यहाँ से जा सकते हैं। जैसे कि ये पूरा ऑफिस है तो ये लोग बंद कर देंगे, 4 बजे बंद हो जाता है। तो वहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा है ये जो यहाँ पर लिखा है की ड्रॉप ऑफ, तो वो जो की ड्रॉप ऑफ है, आप 4 बजे के बाद जब भी आप आओगे ये ऑफिस तो बंद हो जाएगा, तो आप वहाँ से चाबी अंदर डाल दो और मेक श्योर करो कि वो अंदर गिर जाए। तो आप जहाँ से करोगे वहाँ पे कुछ और रूल हो तो पता नहीं, पर हाँ कंफर्म कर लेना कि आप कितने बजे बंद होते हो, कितने बजे तक खुले हो, जो भी आपको पूछना हो, और उसके बाद अपनी चाबी लो, अपनी यू ऑल ड्राइव करो मस्त। अभी मैं अंदर गया तो मेरे से भी लाइसेंस मांगने लग गया, ऐसी मजाक में कह रहे तो छोटा लग रहा तेरे पर लाइसेंस नहीं होगा, पर तुम्हारे भाई पे एकदम चीट हुआ तो एकदम फोन में निकाल के दिखा दिया, कह रहा ओ ब्रो यू लुक यंग, तुम्हारे पास लाइसेंस कैसे, तो इसलिए लाइसेंस जल्दी ले लो तो अच्छा रहेगा। तो अलग अलग कैटेगरी से छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, और भी इससे ही बड़े होंगे, बट हम पता नहीं कौन सा मिलेगा, हमें शायद ये वाला मिलेगा। अभी हल्ला काट रखा भाई लौटने में, तो अभी देखते हैं हमें कौन सा वाला मिलेगा। और हमें छोटा सोफ़ा ही उठाना है, तो ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है, तो छोटे वाला आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो कैटेगरी वाला ले सकते हो। अभी अंकुर भैया अंदर ही हैं, सिर्फ चाबी लेनी है और कुछ नहीं चाहिए, फिर चलते हैं ओकविल। ये मस्त अपनी गाड़ी चला रहा है, मस्त लॉन्ड बाइक का, बारिश हरी भाई। हेलो, तो भाई ये वाली यू हॉल है हमारी, अभी इसकी फ़ोटो वोटो खींचनी है ताकि एट द एंड वो हम पे नाम लगा दें कि तुमने यहाँ से ठोक दी वहाँ से ठोक दी, तो एप्लीकेशन में ही सारी तरफ से फ़ोटो खींच डालूंगा इसकी, आज इतनी फ़ोटो खींच दूंगा, पहले पानी पार कर लूँ। भाई अंदर से यू हॉल ऐसी दिखती है, आपका पूरा स्टेजिंग सब कुछ सेटअप वेटअप, इसमें कैमरा टांगने का कुछ नहीं है, तो हमने मैप इस पर चला रखा है। डिस्टेंस है 47 मिनट लगेंगे। ऋषभ भैया यहाँ, अंकुर भैया यहाँ, तुम्हारे भाई ने यहाँ जुगाड़ कर रखा है, और ये तुम्हारा पीछे की जगह जहाँ पे सामान रखना होता है। तो अभी सीन ऐसा है कि वो फोटो वोटो खींच रहे हैं कि एप्लीकेशन में डालनी पड़ती है ना। मैं आप लोगों को बताता कि ऐप में फ़ोटो खींचनी पड़ती है, पर पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था तो हमने मैन्युअली अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच ली थी, जैसे नॉर्मल फ़ोटो की तरह, बट अभी ऑप्शन दिखने लग गया तो गाड़ी रोक के हमने कहा पहले फ़ोटो खींच लेते हैं जो ऐप में डालनी है। और जैसे मैं अभी बैठा हूँ ऐसे बैठना अलाउड नहीं है, कहीं मेरे को देख के अभी बैठ जाओ, ये तो जुगाड़बाजी है। अब इंडिया वाले कहीं आएंगे तो जुगाड़बाजी चलती रहती है, तो हम 3 हैं तो यहाँ गत्ता लगा के फुल एकदम पीछे बैठ गया, ना प्रिंटर ना कुछ। वैसे मैं किसी को दिखूंगा भी नहीं क्योंकि मेरा व्यू कुछ ऐसा है, तो पुलिस वालों को ये और भैया दिखेंगे बस। तो बीच में आराम से बैठ के, यहाँ से 50 मिनट की ड्राइव है, कितने दूर है, 40 किलोमीटर के आसपास।
तो वहाँ पे जाके और सिर्फ सोफा उठाना है। और चार्जेस का हिसाब किताब ऐसे था कि $20 इनिशियली और बाद में हर किलोमीटर के 0.69 cents। तो वो आपसे एप्लीकेशन में पहले ही पूछ लेता है, थोड़ा और बढ़ा ले, तो वो आपसे एप्लीकेशन में पहले ही पूछ लेता है कि कितनी गाड़ी चलाने वाले हो। तो हमने 120 किलोमीटर डाल दिया था पहले ही एवरेज लगा के आने जाने का, और उस हिसाब से उसने पेमेंट दिखा दी थी और वहाँ पे पेमेंट वगैरह कर दी होगी। बाकी अभी चलते हैं और काम सेट करते हैं। जैसे लिहोल अंदर से अच्छी लगती है। बादलों में ये वाली भी, और ये वाली तो छोटी है और ये वाली तो है आधी। मस्त व्यू आ रहा होगा ना जो ऊपर रहते होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि बादलों के ऊपर रहते हैं। आलती वालती मार ली भाई। डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, घर बहुत सुंदर है आसपास, जो भी है सोफा दे रहा है। बता दे ओकविल थोड़ा महंगे कर रहे हैं, और ओकविल थोड़ी महंगी जगह है इसलिए वो बंदा वो सोफा फ्री में दे रहा है। फ्री में अभी वो सोफा दिखाते हैं कंडीशन कैसी है। वो फ्री में इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग बाहर रख देते हैं, पर सब लोग इतने अमीर हैं तो कोई उसे उठा के नहीं जाता। रोड पे लगा रहा हूं बैक करके, ठीक है। तो इसलिए हम टोरंटो से स्पेशली वो सोफा उठाने आए हैं। अभी बात करते हैं कि वो बंदा है कहां। जरूर जरूर। अभी तो पैर की, मेरे पैर दोनों सो गए हैं अभी खड़े होने के बाद ना, थोड़ी देर रनिंग करनी पड़ेगी। हम आते चोरी का सामान शुरू, बास्केटबॉल का सामान लगा रखा है कितने करके। घर क्या तकड़े हैं यार। अबे भाई बहुत महंगी भाई, मैं नहीं रह रहा टोटल। भाई इस जगह को देख के सच में लगता है कि हाँ फॉरन आए हैं। देखो घर देख रहे हो, एक से बढ़ के एक। ये तो हमारी गाड़ी है, नाइस माहौल एकदम, कुत्ते वत्ते भी सुंदर हैं आके तो। और हमारे यहाँ पर टोरंटो में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ एकदम किच्चा काट मचा रखा है लोगों ने, एकदम कतई जहरीला माहौल, ऐसा लगता है खजूरी आ गए। और यहाँ के देखो भाई वो पेड़ देख रहे हो पिंक कलर का, उसका सोफा छोड़ो उससे पूछो घर कितने का दे रहा है, पागल है, महंगा दे रहा है। भाई अच्छा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा एरिया है। भाई ये मस्त सोफा है हमारा, और भाई बहुत अच्छा है यार, मेरे को लग नहीं रहा था। और ये फ्री में है, इसे लेने चलेंगे $400-500 आराम से भाई, बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा भी है आराम से। अभी मैं लेट के दिखाऊंगा, बॉल पड़ी है गाइस, उठानी है नहीं उठानी गाइस बताओ, उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, चलो ठीक है। इंफिनिटी है, दोबारा बोलना, दोबारा बोलो। ओकविल बहुत सुंदर है और इससे भी सुंदर किंग सिटी है। किंग सिटी कल गए थे रात को, अच्छा किंग सिटी तो नहीं गया भाई, मेरे को लग रहा था कि अच्छा होगा पर बहुत ही अच्छा था, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा सोफा लग रहा है देखने में भी, और सॉफ्ट इतना ज़्यादा और एकदम फिनिशिंग है, कहीं से फटाफटा भी नहीं लगा मेरे को अभी पहली नज़र में तो। अब भाई भाई को बुलाना पड़ेगा, यहाँ से लग रहा है एक घंटा, और पूरा मुश्किल से मुश्किल हमें 5 मिनट लगे, हम सीधा गए उन्होंने कहा ये उठाओ और चले जाओ, और बस लेके आ गए। चाय पिलाएगी तुम्हें वो? नहीं मतलब, और घर उसका भाई इतना तगड़ा था, उसका गेट ही इतना तगड़ा था उसका। मैं तो गेट देख के हो गया, मैं कहा अंदर जाऊँ, मैं गया ही नहीं अंदर, इसलिए मैं बारी अड़ा रहा, मैं कहीं कहीं तीन लोग एक साथ घुस गए घर के अंदर। भाई बहुत सुंदर घर था, बहुत सुंदर, एकदम मजा आ गया घर देख के। 1 hour later 6:16 हो रहे हैं, अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्या तगड़ी तगड़ी गाड़ी खड़ी होती है। हमें इस बिल्डिंग में चढ़ाना है सोफा, क्या हो गया ओ गाइस, ये बिल्डिंग में दिक्कत आई है, लिफ्ट में घुसाने में इतनी हवा खराब हो गई, इतना सा गेट है। अब ये देखो ये इससे भी ऊंचा हाइट में, सर्विस लिफ्ट, अब इसको निकालते हैं। तो पैर से लात मारी मैंने, इस पर तब खुला ये, चलो बाहर निकालते हैं। गाइस सोफा घर में घुस चुका है, गेट में से लाने में बहुत दिक्कत हुई पर लगने के बाद बहुत तगड़ा लग रहा है। अब जल्दी चलो, टाइम निकल गया मैच का। गाइस गैस भरवाने के लिए रुके हैं क्योंकि अब इसको वापस देना है, तो जितना फ्यूल था इसके अंदर उतना ही डाल के इसको वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जितनी हमने यूज़ करी उतना ही। तो हाफ टैंक था, तो अब मीटर ऑन है,
अब पीछे गैस भरी जाएगी और यहाँ पे हम चेक करते रहेंगे कि जैसे हाफ तक पहुँच जाएगा हम बाहर निकाल देंगे। बेसिकली वो ऐसा करते हैं कि वो अपने ही स्टार्टिंग से हमें फुल करके देते हैं, तो जो हम रिटर्न करते हैं तो फुल करके रिटर्न कर देना चाहिए तो सही रहता है, बट हमें हाफ मिली थी तो हम भी हाफ करके वापस दे देंगे। दिस गाय इज चेकिंग मीटर। तो इसमें जितनी भी गैस आएगी ये देखे, और टाइम हो चुका है 6:40, 7 बजे से 8 बजे तक की टाइमिंग थी हमारी, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बट कोई बात नहीं, 40-45 मिनट खेलने को मिलेगा बट हम खुश हैं भाई। तो ये हमने रिटर्न कर दिया है, और भैया थोड़ी डिटेल्स डाल रहे हैं सिर्फ कि कितने किलोमीटर चली फलाना ढिंगाना। तो इसका टोटल कॉस्ट आई हमें 87 प्लस $21 का इसमें गैस डली, तो 87 प्लस 21 $108 इन टोटल, और $108 में हमारे पास वो सोफ़ा आ चुका है। तो थोड़ा सा सही है, कन्वीनियंट है, आप जब करोगे अपनी बुक तो इस वीडियो को पहले देख लेना और फिर बुक करना, और बाकी सब जो भी डिटेल्स हैं बाकी ज़्यादा कोई चक्करबाजी नहीं होती। अब रिटर्न करने का सीधा सीधा डालेंगे कि हमने हाँ यूज़ कर ली, साइन ऑफ वगैरह सब कुछ करके चाबी उसमें गेट में डाल देंगे। उदीप भैया यहाँ पे 11 मिनट के अंदर आ जाएंगे, तो फटाफट चलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। आज का दिन भाई इतना हेक्टिक हो गया, एक तो मेरी टांगें ऐसी लग रही किसी ने काट दी हो नीचे से, ऐसे घुटनों से चल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं बीच में बैठा हुआ था, यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, बट एज अ वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए वहाँ पे बैठा हुआ था। और भाई मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। हमारे पास 40 मिनट होंगे खेलने के लिए, तो उसी में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, फटाफट खेलेंगे, फटाफट कैसे खेल सकते हैं, फटाफट कपड़े चेंज करेंगे गाड़ी में और फटाफट से बैटिंग करेंगे मैं और ऋषभ भैया, बाकी जो दो लोग आ रहे हैं उनसे सिर्फ बॉलिंग कराएंगे आज। कहीं यहीं पर वार्म अप शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे जो लेने वाले आए थे वो आए नहीं है। टाइम बताना भाई, 7 बजने वाले, 52 हो गए, चलो यहीं पर शुरू हो जाते हैं। कपड़े चेंज हो चुके बॉयज, याशी स्पोर्ट्स, पर हम अब 7:30 तक पहुंचेंगे तो सिर्फ आधे घंटे खेल पाएंगे। याशी स्पोर्ट्स आ गए भाई लोग, और 7:30 हो चुके हैं, तो मेरी स्पीड देख के आप लोग पता लगा पा रहे होंगे कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। यहाँ से एंट्री, फटाफट रखते हैं सामान अंदर से, तो आपने देखा ही है। We'll be right back.